So student, today we have to know how can you use the hexadecimal value of color. So first we are using here the H1 style body BG color equal to yellow, H1 style equal to color FF0000. And now we have to run the program. हम इसको रन करना है. रन करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको आपको डबल क्लिक करना है. हेडिंग में जाएंगे और हेडिंग में जाने के बाद डबल क्लिक करना. बॉडी टैग के अंदर H1 style equal to color. अच्छा ये जो है ना यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये जीरो नहीं, अब आ जाएगा. ठीक है, आ गया ना. तो इसमें अब क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है. यस सर, हेक्साडेसिमल में रेड कलर आ रहा है. अच्छा इसको देखते हैं पहले वाले की तरह करके, यानी कि हम एम्बेडेड में यूज करके देखते हैं इसको. एम्बेडेड में क्या मिस्टेक था देखता हूँ, यदि ये ओपन हो गया. चलो हम उसमें करके देखते हैं. अब इसमें ये इनलाइन यूज हो गया, ठीक है. और इनलाइन यूज में अब जैसे यहाँ पे हम एफ डबल एफ करके देखते हैं, यहाँ पे जीरो रखते हैं, एफ के जगह पे जीरो रखते हैं, और यहाँ पे जो है आपको डबल एफ रखते हैं. अब सेव करके अब फिर से रन करते हैं. ओके, तब क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है. पहले रेड आया अब ग्रीन, क्योंकि अब हमने एफ जो है वो कहां पे लिखा है, तो बीच में लिख दिया है, इसीलिए ये जो मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल आ रहा है ये ग्रीन में आ रहा है.
ओके अब उसके बाद फिर जो है सो मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे जीरो जीरो लिखते हैं और इसमें जो है सो हम लिख देते हैं आपको एफ एफ। अब कौन से कलर में आना चाहिए, यहाँ पे एफ एल लिखा था कौन से कलर में आना चाहिए, ब्लू। हाँ अब जो है सो ये ब्लू में आएगा। ओके सर रन करने के लिए सर रेड की जरूरत होती है, डबल क्लिक कर दो उस पे, ठीक है ये हो गया। दूसरा है आपको, दूसरा जो स्टाइल है लिखने का वो है आपको, जैसे इसको क्लोज किया 255, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 255 जी, ये 00255 एक ही जीरो लगता है इसमें, 0, फिर 0। अच्छा ये चलो अभी 255 लिखो, पहले वाले में 255 लिखते हैं, 255 कॉमा फिर 0 फिर कॉमा और फिर 0। ओके ये लिखा हमने और ब्रैकेट, यहाँ ये जैसे ब्रैकेट में होना चाहिए और इसमें हैश भी नहीं लगता, आर जी बी स्टाइल इक्वल टू कलर आर जी बी। और इसको लिखना हमें ब्रैकेट में आर जी बी और फिर ब्रैकेट। ओके तो अब ये कौन से कलर में होना चाहिए, अब 255 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कौन से कलर, सर रेड ये रेड कलर में होगा। ओके सेव कर देते हैं, सर बोलिए सर अगर हमको रन करना है तो सर नेटवर्क करना पड़ेगा कनेक्ट, नहीं नहीं नेटवर्क की जरूरत नहीं है, आप में इंस्टॉल होना चाहिए बस, माइक्रो इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल होना चाहिए, नेट सर हमारे में इंस्टॉल, हाँ नेट की जरूरत नहीं है, आप कोई एरर कर रहे होगा ठीक है ना, कोई मिस्टेक कर रहा होगा फिर से दोबारा करके देखना ठीक है ना, कोई टैग बंद नहीं कर रहा होगा ठीक है ना, कोई टैग वगैरह बंद नहीं कर रहा होगा ठीक है, जो टैग जैसे जो टैग कंटेनर टैग होता है तो वो ओपनिंग के साथ साथ उसको क्लोज भी करना होता है, तो ऐसा कुछ मिस्टेक कर रहा होगा इसीलिए जो रन नहीं करता है सर, हमारा रन करने लगा सर आपने जो बताया था, मैंने दिखा रहा है ठीक है। तो ये हो गया आपको आरजीबी, यानी कि कलर जो आपको बताया, कलर जो सेट करने के लिए ये आरजीबी और ये जो दो है आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू और एक होता है आरजीबी वैल्यू, ये हम यूज करते हैं ठीक है। हाँ अब हम लोगों को ये देखना है, अब हमें ये देखना है कि हमने जो पहले किया था ये तो इनलाइन हमने यूज किया, हम इम्बेड करके देखते हैं, इम्बेडेड करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना अभी जो आप एरर आया था वो दूसरे वजह से आया था, तो हम इसमें करके देखते हैं। ओके ऐसे आ रहा है मोज़िला फायरफॉक्स में, क्या हो रहा है सर हमारा ऐसे आ रहा है, ये विजिबल नहीं है तुम्हारा,
कुछ एरर कर रहा होगा उसमें। इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना तुम्हारे में, इंटरनेट एक्सप्लोरर से रन करो, ठीक है। इंटरनेट राइट क्लिक करके, अच्छा फाइल जब सेव किया तुमने तो वहां पे ई लिखा हुआ आ रहा है, जो आपने फाइल सेव किया वहां पे आइकन में क्या आ रहा है, बनके आइकन में क्या आ रहा है वहां पे? सर ये आ रहा है सर ये। हाँ सही है सही है। फिर अब राइट क्लिक करो उस पे, और नहीं तो डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो रन हो जाएगा। डबल क्लिक करो सर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा है। हाँ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करो क्लिक, ओके। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है लिखा हुआ? सर मॉडल असेंबली स्कूल। हाँ तो वो तो क्या रन तो कर रहा है, अब क्या आएगा? हाँ रन तो कर रहा है ना सब। अब तुम्हें उसमें क्या, तुम्हें यदि कि जो भी उसमें क्या रन कराना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो तो उसके हिसाब से तुम्हें HTML कोड लिखना पड़ेगा ना। अब तुमने उसमें सिर्फ STM मॉडल असला पब्लिक स्कूल लिखा था, वही रन कर रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी लाइन हटा दिया, तो बाकी लाइन हटा दिया तो यही आएगा ना सिर्फ, ओके। ओके तो अब हम इसमें, हाँ अब हम इसमें चलते हैं। इसमें जो हमने एम्बेडेड किया था, तो पहले हेड के अंदर HTML हो गया, HTML, और HTML के अंदर हमने हेड टाइटल हो गया, और यहाँ पे हम डाल देते हैं हेड, हेड टैग के अंदर हेड, और हेड के अंदर हमें डालना है आपको स्टाइल हेड, और उसके बाद स्टाइल ये अब हटा देते हैं, ये जो है इसको हम हटा देते हैं। ओके और हेड के अंदर हो गया आपको यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हमें डिफाइन करना है आपको एम्बेडेड वाला, यहाँ पे स्टाइल के अंदर हमें डिफाइन करना है एडिटर। डिफाइन करना है, और ये माइक ऑफ कीजिए, माइक किसी का ऑन है तो माइक ऑफ कीजिए अपना। H1 और H1 में क्या डिफाइन करना है आपको, H1 कलर, H1 कलर, फिर कॉलन, H1 कलर कॉलन, और यहां पे हमें डालना है RGB वैल्यू, तो हैश और 00FF00, ठीक है। और उसके बाद बस यही है, अब इसमें इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना कलर, स्टाइल हो गया। अब ये अब इसको जो है सो हमें यहाँ पे क्लोज कर देते हैं स्टाइल को,
यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज हो गया, ओके। और बॉडी बीजी कलर येलो हो गया, एच वन मॉडल पब्लिक स्कूल हो गया। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं स्टाइल के ही बाद, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं एच टू, एच वन हो गया, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। पहले पहले इतना ही करके देख लें, इतना ही करके देख लेते हैं कि एच वन में ये मॉडल नेशनल स्कूल में क्या ना आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपको बीच में आए ना, तो रेड ग्रीन ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन। तो हमने सेव किया इसको, सेव करके अब इसको रन करते हैं। स्टाइल एच वन कलर जीरो जीरो। सर ये कॉमा जो आपने सेवंथ के बाद लगाया, सर ये कॉमा कैसे लगाया है? सेवंथ के बाद कॉमा, तुम्हारे कीबोर्ड में कॉमा का बटन नहीं है? सर कॉमा है पर लेकिन सर ऐसा है। अरे ये जो आपको लेस देन का बटन है ना, लेस देन के बटन को दबाओ, लेस देन वाला बटन दबाओ आ जाएगा। सर कौन सा लेस देन? लेस देन वाला बटन है ना कीबोर्ड में। सर आ गया, सर आ गया। ये माइक ऑफ रखे सभी बच्चे। नहीं तो इसका मतलब ये है इसको इनलाइन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हमें ये जो भी कलर प्रॉपर्टी है, हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल और कौन सा है तो आपको आरजीबी, ये हमें इसको जो है सो इनलाइन ही यूज करना है, ठीक है। एम्बेडेड में ये रन नहीं हो रहा है, ओके। आगे बात समझ में? यस सर। ओके अब आपको पेज नंबर 73 पे, पेज नंबर 73 पे है आपको बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। तो इसी में करके, इसी में करते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में। यहाँ पे हमने लिखा है ना H1, H1 यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अच्छा इन्वर्टेड कॉमा जो है मतलब इसमें हम नहीं देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं, सब देखते हैं। हाँ अब आ गया, वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, ओके। एम्बेडेड में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा लगाया था वो यूज नहीं करना है, ओके ना, यहाँ पे, ठीक है। इनलाइन में ये यूज, इनलाइन में यूज होगा और ये एम्बेडेड वाले में यूज नहीं होगा, ओके। समझ में आ गया सभी को? यहाँ पर जो हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया था इस वजह से वो नहीं हो रहा था। तो कलर ये हो गया। और अब हमें है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में हमें क्या करना है, तो H1 में अब हम यहाँ पे जैसे डाल देते हैं, यहाँ पे H1 में हम डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये डाल दिया, ठीक है। अब ये इसमें जो है सो आपको ये जो मॉडल असना पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है इसमें बैकग्राउंड में आ जाएगा आपको कलर, यानी कि एक पट्टी पे लिखा हुआ ये आएगा। ओके, इसको सेव करते हैं। आ रहा है ना बैकग्राउंड कलर में, मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल के बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, कौन सा आ रहा है तो ग्रीन आ रहा है, ठीक है। ग्रीन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बीच में लिखा है यहाँ पे FF, यानी अभी हमने एम्बेडेड ही यूज किया है, इनलाइन यूज नहीं किया है, इसको भी हमने एम्बेडेड यूज किया, यानी पहले ही हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया H1 को। ओके, अब यदि मान लो एक और डालना है आपको तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं H2 में, यहाँ पे H2 भी डिफाइन कर दो स्टाइल, और यहाँ पे लिख दो H2, ठीक है, H2 में डाल दो आप, H2 में डाल दो आप बैकग्राउंड कलर, S और ब्लू डाल दो, तो 0000 एफ, ठीक है। H2 हमने ये डाला, अब यहाँ H2 में कुछ लिखते हैं, यहाँ पे हमें H2 में कुछ लिखना पड़ेगा, सर F स्मॉल है, कोई बात आ जाएगा फिर, तो इसमें हम करके देखते हैं। ठीक है, यहां पे अब लिख देते हैं H2, यहां पे लिख दो H2, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, सेव कर लो और फिर जो है इसको अब रन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है ना, यस सर, हाँ, H2 में अब क्या आ गया इसमें, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पे H2 में जो है सो लास्ट में लिखा है हमने FF, इसीलिए वहां पे आपको आ रहा है क्या, तो ब्लू कलर आ रहा है। ओके, ब्लू आ गया समझ में, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर, नो सर। ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर एंड हैव अ गुड डे। बाय सर, 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 बाय सर।